गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपका रिवीजन करा रहे थे और मैंने आपका रिवीजन चैप्टर 3 तक कंप्लीट करा दिया था। आपका चैप्टर 3 अच्छा कोई चैप्टर था एक, एंड इसमें समझने वाले चीज़ें नहीं थी, बस आपको करने वाली चीज़ें थी, तो शायद मेरे समझाने में दिक्कत आई हो। और यहाँ पर भी जो आप HTML में करने जा रहे हो, HTML में पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी आप का करने वाला चैप्टर है, समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि अपने तरफ से मैं बेस्ट दूँ एंड आपको समझा सकूँ। तो आपका ये भी चैप्टर 4 भी मैंने आपको एक बार पहले पढ़ा दिया है, शायद आपको समझने में आसानी हो इससे। एंड आज हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आप लोग जो पहले से जानते हो, जो भी इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेट में देखते हैं, वो सभी एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं HTML। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है फुल फॉर्म स्टूडेंट्स? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है स्टूडेंट्स, हमसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर नहीं लिया जाता है, ये एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, ये एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपका एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्या है, हमें एक टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है अपना एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। जो HTML कोड होता है वो एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, टैग्स को, एट्रीब्यूट्स को, जो कि आपका डिफाइन करते हैं लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, HTML कोड जो है वो एलिमेंट्स को कंटेन करता है, टैग्स कंटेन करता है, एंड एट्रीब्यूट्स कंटेन करता है, जो आपका डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा आपका। अब इसमें स्टूडेंट्स पहले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, जिसमें आपका कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, 5 तरह के हैं। फॉन्ट है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, मार्जिन है। स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी एक टैग के अंदर लगती हैं। लाइक आप इमेज टैग यूज़ कर रहे हो या कोई बॉडी टैग यूज़ कर रहे हो, तो उसके एक टैग के अंदर जितने भी टैग्स आते हैं उसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। आप किसी फॉन्ट को जब करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे आपने मार्क्यू टैग का यूज़ किया, तो मार्क्यू टैग के अंदर अगर आप अपना कोई टैग लगाते हो, ब्रेकिंग टैग मीन्स ब्रेक लाइन टैग, तो आपको इसका यूज़, तो ये उसे आप हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट है उसका HTML कोड है वो है फॉन्ट फेस। फिर आपको आपका जो नॉम नेम का फॉन्ट है, आपको वो फॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, टाइप करना है आपको ब्रैकेट्स में फॉन्ट फेस दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स में, फिर आपको एरियल ब्लैक जो भी आप चेक करना चाहें, एल्जीरियन, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी आप करना चाहें। फिर फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज़ आप डायरेक्टली दे सकते हैं, उसके लिए कोड आपको दिया हुआ है नीचे, कोड होता है इसका फॉन्ट। फॉन्ट में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको साइज़ लिखना होगा अपने फॉन्ट का। फिर फॉन्ट कलर में आपको क्या करना है, फॉन्ट कलर आपको डालना है पूरा कैपिटल लेटर्स में। फिर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द RGB कोड ऑफ द कलर। RGB कोड क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आप कोई पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होते हो, पावर पॉइंट या फिर आप कोई एडिटिंग यूज़ कर रहे होते हो माइक्रोसॉफ्ट की, या कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको कंप्यूटर में जितने भी RGB कलर्स के नेम्स होते हैं वो सभी RGB कोड्स होते हैं, आप उस कोड को यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड कलर। तो बॉडी BG कलर इसमें के तरफ इसको दिखाते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है,
देखिए यहाँ पे बॉडी टैग के साथ यूज़ होता है बैकग्राउंड कलर, बॉडी के साथ बॉडी बीजी कलर, फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ द आरजीबी कोड। आरजीबी कोड स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी बताया, आरजीबी कोड वो चीज़ें होती हैं लाइक आप यूज़ कर रहे हो अपना कोई भी फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स या फिर कोई आप कलर यूज़ कर रहे हो आर्ट के लिए, तो वहाँ पर आप पेंट्स का यूज़ करते हो गए तो आप उसमें अलग अलग पेंट्स के आरजीबी कोड आपको दिखाई देंगे वहाँ पर। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन स्टूडेंट्स एक पेज में किस साइड से कितना प्लेस छोड़कर आपका टेक्स्ट सामने आएगा या आपकी जो भी चीज़ इंटर कर रहे हो आप वो सामने आएगा, वो इसमें डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एट्रीब्यूट्स। आपका जो आज का होम असाइनमेंट है वो आपको लिखना है एट्रीब्यूट्स इन HTML, फिर फॉन्ट उसका एग्जांपल, फॉन्ट साइज़ का एग्जांपल, फॉन्ट कलर का, बैकग्राउंड कलर का एंड मार्जिन का। मार्जिन में आप स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे? ये लास्ट वाले बॉडी टॉप मार्जिन ऐसे लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको ये सारे मार्जिन देने हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इन सभी की वैल्यू आपको देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये आज का होम असाइनमेंट है, आप आई होप आप लोग करोगे अच्छे से एंड मुझे सेंड करोगे। थैंक यू।